पेटी बनाने में कितना टाइम लगता है? तकरीबन 3 घंटे। लकड़ी इसका ना हिस्सा होती है, लकड़ी हिस्सा है पेटी का, इसके मुख्तलिफ होते हैं, कुछ 6,000 की भी होती है, 7,000 की भी होती है, 8,000। क्वालिटी पे डिपेंड करता है, क्वालिटी पे डिपेंड। तो एक कारीगर दिन में एक अच्छे तरीके से बना सकता है। मशीनरी का इसका काम जो है ना वो मशीनरी का होता ही नहीं, सारा काम हाथ का, सारा काम हाथ से होता है। इलाकों में इस्तेमाल होती है, यानी कि पाकिस्तान जो है वो एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इसमें पेटियां बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। हालांकि इधर भी उस तरह के लोग हैं जो लोग पेटियों को पसंद नहीं करते, कहते नहीं हमें नहीं चाहिए, आप हमें ना, हम मैं जहाँ जा रही हूँ ना मेरे ससुराल में मुझे प्यारी सी अलमारी बनवा दें, प्यारे से कबर्ड वगैरह बनवा दें, मुझे पेटियाँ चाहिए नहीं होती। लेकिन उस ज़माने की जो अम्मियों के अंदर सोच पड़ी हुई है ना, वो सोच यही कहती है कि नहीं तुझे सेफ बनवा के दूँ या ना दूँ, लेकिन तुझे पेटियाँ ज़रूर देकर भेजूँगी मैं। जो है ना बहुत अम्मियाँ जो है ना पुराने ज़माने की रज़ाइयाँ, ममदी, बिस्तरे, यानी इस तरह की चीज़ें इसमें रखती हैं। तो माना तो यूँ हो जाता है कि अगर जहेज में ये ना दिया जाए तो लड़ाई हो जाती है, अगर ये नहीं दी जाती पेटी। हालांकि लड़की अपनी तरफ से जितनी मर्जी हाई क्लास बन के ये ना लेने की कोशिश करे, लेकिन अम्मी उतनी पुराने ज़माने की औरत बन के कहती नहीं तुझे पेटी दूंगी, वरना कुछ भी नहीं दूंगी, मेरे मामा इस तरह की हैं। तो आज हम पेटियों की अहमियत जानने हैं कि पाकिस्तान में पेटियों की अहमियत कितनी ज़्यादा है। तो आज हम आए हैं इस फैक्ट्री में ताकि आप लोगों को बता सकें कि किस तरह ये जो पेटियाँ, इसको क्या कहते हैं, ट्रंक वगैरह जो बनते हैं ना, इसके अलावा इन्हीं लोहों में ना गंदम डालते हैं, उसको कहते हैं पड़ोला, तो वो भी इनके पास बनते हैं। बाहर के ममालिक में पड़ोले भी नहीं होते, ये होते हैं तो हमारे पाकिस्तान में, तो उनसे मिलते हैं जो इनको बनाते हैं। और हाँ, इसमें टाइम कितना लगता है, इसमें मटीरियल किस तरह का इस्तेमाल होता है, लो मटीरियल होता है, हाई मटीरियल होता है, टाइम कितना लगता है, और कितनी ज़्यादा यहाँ से जाती हैं, बाहर के ममालिक में जाती हैं, नहीं जाती हैं, तो मिलते हैं उनसे जो बनाते हैं और कुछ बातचीत करते हैं और आपको पेटियों का विज़िट करवाते हैं। तो आइए ये बताएं कि एक जो छोटा अटैची केस नहीं होता, जो नॉर्मल साइज का होता है, जिसमें हम आम कपड़े रख के उसको बेड के नीचे घुसा डालते हैं, हम लोग ऐसे पहले करते थे, तो उस तरह की पेटी बनाने में कितना टाइम लगता है? तकरीबन 3 घंटे। हाथ से बनती है ना ये? हाथ से बनती है। अच्छा, इनमें मशीनरी काम नहीं होता? नहीं, मशीनरी का इसमें कोई काम नहीं है। आप लोग नहीं करते क्या? वैसे होता ही नहीं है, होता ही नहीं, मशीनरी का इसका काम जो है ना वो मशीनरी का होता ही नहीं, सारा काम हाथ का, सारा काम हाथ से होता है। अच्छा, मुझे ये बताएं मटेरियल किस तरह का इस्तेमाल करते हैं? मटेरियल अच्छे वाला इस्तेमाल करते हैं ना, अच्छा वाला इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, नरम मटेरियल तो जो ना वो काम ही नहीं ना आता, वो इतना इसमें वजन आता है, तो वो अगर नरम मटेरियल हो तो वो सारा खुल जाता है, सारा खुल जाता है। वो जो छोटी अटैची केस होती है उसको 3 घंटे लगता है, तो अगर आप बड़ी बनाएं, जो अक्सर लड़कियों को जहेज में दी जाती है, तो बड़ी होती है ना जो 5 फुट की या 6 फुट की, तो एक कारीगर दिन में एक अच्छे तरीके से बना सकता है, दिन में एक, दिन में एक बनाता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक जो पेटी है वो बड़ी वाली जो आप जहेज में, तो उसके प्राइस क्या है, यानी किस तरह? तकरीबन 8,000-10,000। मुख्तलिफ प्राइस है यहाँ? होते हैं, कुछ 6,000 की भी होती है, 7,000 की भी होती है, 8,000। क्वालिटी पे डिपेंड करता है, क्वालिटी पे डिपेंड करता है। क्वालिटी किस तरह की होती है? क्वालिटी दरमियानी भी होती है, किस तरह का ग्राहक हो, मसलन गरीब भी होता है, अमीर भी होता है, वो अपने हिसाब से चीज लेता है। अच्छा, ये पेटियाँ जो है वो सारी लोहे की बनी होती है, तो इसमें लकड़ी का क्या काम? लकड़ी का काम, अगर लकड़ी जो ऊपर छत में डलती है ना, अगर ये छत में डाले ना तो इसका बैलेंस कैसे होता जाता है, लकड़ी इसका ना हिस्सा होती है, लकड़ी हिस्सा है पेटी का। तो सबसे पहला जो प्रोसीजर है पेटी बनाने का वो क्या है? वो ये चद्दर आती है, फिर इसकी कटाई होती है। तो कटाई देख सकते हैं हम? जी, कटाई आ गई। तो ये है वो चादरें जो इस पेटी का सबसे पहला प्रोसीजर है, इसकी कटाई होती है। ये इतनी ज्यादा चादरें इन्होंने रखी हुई है, ये फिर इसकी कटाई करते हैं, तो उसकी कटाई की तरफ जाते हैं और देखते हैं। पहले इसको माप रहे हैं? जी हाँ, नापते हैं, वो सारा मेजरमेंट करके फिर इसको बनाते हैं। जी, कटाई होती है। तो ये कौन सी वाली पेटी की वो मेजरमेंट कर रहे हैं? ये 6 फुट वाली की।
छह फुट वाली है, ये कटाई हो रही है। अब ये पेटी काट रहे हैं, इसके लिए कोई खास सीजर होती है, यानी आम कैंची से नहीं कटता? नहीं नहीं, ये इसकी कैंची लैदा होती है, जो आम कैंची होती है उससे ये काटा नहीं जाता। लोहे काटने वाली कैंची? ये लोहे काटने वाली कैंची होती है। अब मैं इनसे थोड़ी सी बात कर लूँ। तो इस वक्त मेरे साथ ये जो लोहे की चादरें काटी जाती हैं, ये काटते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो एक चादर है 6 फीट की आपने कही है ना, तो इसको काटने में कितना टाइम लगता है? काटने में 2 घंटे। 2 घंटे काटने में? 2 घंटे पूरी पेटी? तो ये इतनी ये नुकीली सी है, इतनी शार्प है, ये आपको हाथ में नहीं लगती? नहीं लगती है। लगती है? एहतियात से करना। एहतियात से करना। तो आपको कितना अर्सा हो गया यहाँ काम करते हुए? 35 साल। 35 साल हो गए शुरू से आपका ये काम? बच्चे वगैरह हैं? मैं अफसोस हो रहा है, बाबा जी है ना, तो मुझे अजीब सा लग रहा है, इतनी मेहनत का काम कर रहे हैं। चले करें, हम दूसरी वाली जगह पे चलते हैं। ठीक है, शुक्रिया आपका। जो सेकंड प्रोसीजर है, ये तो इन्होंने पेटी काट ली, इसके बाद जो पेटी का ढक्कन जिसमें फिक्स होता है, ये वो इसको कहते हैं गोला है, ये गोला है। अब गोले की तरफ जाते हैं। अब क्या कर रहे हैं ये? इसकी मुड़ाई कर रहे हैं, ये हाथ पे ना लगे। अरे भी गलती बात। ये जो है ये बाहर निकाल दिए, ये गोला बना दिए ताकि इसके अंदर ये जो पेटी का ढक्कन होता है वो फिक्स हो सके। और ये जो कॉर्नर है ना, ये इसको काटने की वजह से इतने शार्प हो गए कि ये हाथ पे ना लग जाए। अब ये इनके जो नोक वगैरह ना, कोने वगैरह, इसको मोड़ रहे हैं, है ना, मोड़े। आप ये करते हैं बस? वैसे और कोई काम आता है? अच्छा, सबके हिस्से के काम आया मैं फिर वो मुकम्मल पेटी। अच्छा, आपको करनी आती है वैसे मुकम्मल पेटी? करनी आती है। इस वक्त ये काम जिम्मे है। चले करें, अच्छा कर रहे हैं। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा ये बताएं, आपको कितना अर्सा हो गया काम करते हुए? मुझे हो गया 35 साल। अच्छा, सबको 35 साल हो गए? पता, मुझे एंकर करते हुए 100 साल हो गए। 100 साल से एंकर हूँ। मेरी 50 साल उम्र है। लगते नहीं है वैसे। अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये बना क्या रहे? पेटी का ढक्कन। हाँ, जो ये वो वाली पेटी का ढक्कन बना रहे हैं। डबल ढक्कन जो हाथ यहाँ से खुल जाता है, हाथ यहाँ से खुल जाता है, आसानी पैदा हो जाती है। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप ये ढक्कन बनाते हुए इसको कितना टाइम लग जाता है? 2 घंटे लग जाते हैं। ढक्कन बनाने में 2 घंटे लग जाते हैं? तो बनाते कैसे हैं? ये बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, मुझे बना के दिखाएं ना। अब ये इसके ना ऊपर से इसको फिक्स कर रहे हैं ताकि वो कोना भी जो है वो भी नीचे से ना खुल जाए, हाँ अंदर ना जाए, तो उसको खोल। अच्छा, ये एक ढक्कन तैयार हो गया तैयार? बहुत जल्दी काम कर रहे हैं। जल्दी कितना होता है? ऐसे बड़ा काम पे है बच्चे। कितना काम किया है तो पूछा नहीं है। और लगनी है बीच 2 और। अच्छा, फट्टी कहाँ लगेगी जो अब आप लकड़ी? अगर ये ना लगाएं तो ये ढक्कन ऐसे इसमें ढलक आ जाएगी, ये बिल्कुल क्लियर नहीं होगा, बिल्कुल साफ नहीं होगा, ये बिल्कुल सीधा इससे सीधा हो जाएगा जी। ऐसे सीधा, और इसे हिले डुलेगा भी नहीं, यानी इसके ऊपर अगर कोई चढ़ता है ना तो वो नीचे ढस जाती नहीं। है ये नहीं होगा, ऐसे नहीं लकड़ी की। अच्छा, वो दिखाने लगे देख। इसे बराबर कर जी। ये एक ऐसा काम है जो मशीनरी के ऊपर हो ही नहीं सकता। सारे जितने भी कारीगर हैं वो हाथ से करते हैं ये सारे काम आज।
अब इसको वो कीलों से ठोकने लगे या रिबट इसको लगेगा ना रिबट कील नहीं कहते इसे कहते हैं रिबट ये होती है तकरीबन एक दो सूत्र की कील होता है बड़ा वो लग नहीं सकता गोल कर देते हैं हाथ को ना लगे हाथ को काटे अब ये जो उन्होंने पेटी का ढक्कन बनाया था ना ये और एक उसी तरह का एक और बना के उन दोनों को जो है ना इन्होंने जोड़ दिया है ताकि वो जो ये जो है ये ऐसे खुल जाएगा ये जो ऐसे खुल जाएगा। अच्छा मुझे ये बताएं ये जो आपने ये लगाया है ये किस लिए है? ये ढक्कन इसके साथ खड़ा होता है पीछे से नहीं खुलेगा आगे से खुलेगा एक साइड से पेटी खुलेगी पीछे से नहीं खुलेगी। हाँ ये ढक्कन जिस वक्त पीछे करते हैं इसके साथ खड़ा हो जाता है जी खड़ा होने के लिए ये है। अब ये ढक्कन है फिर उसके बाद जो पेटी का ये फिर बाद में पेटी तैयार हो जाएगी ऐसे पेटी पड़ी होगी ये तैयार होकर पड़ी। अच्छा ठीक है ये सब तैयार हो। आपके कारीगर एक दिन में कितनी पेटियां तैयार कर लेते हैं? एक दिन में एक पेटी कारीगर एक तैयार करता है। तो आपके पास तीन कारीगर तो तीन पेटियां तैयार होती हैं? पेटियां रोजाना तैयार होती हैं। रोजाना तैयार होती हैं तो दिन में कितनी पेटियां खरीदार वगैरह लेकर जाते हैं? खरीदार अब तो बहुत कमी हो गई है ये लोहा महंगा होने की वजह से ना खरीदारों की बहुत ज्यादा कमी हो गई है तकरीबन एक या दो या तीन इससे ज्यादा नहीं बिकती। इससे ज्यादा नहीं? नहीं पहले पहले होता था 20-20 बिकती थी 30-30 बिकती थी। ये हर घर की जरूरत है जो भी अमीर है गरीब है दरमियाना तबका ये हर घर की जरूरत है। हाँ जी क्योंकि जो हमारा ये भी कह रहे हैं कि हमारा जो स्पेयर सामान होता है जिसको हम यूज में नहीं लाना चाहते उसको सेव करने के लिए भी हम पेटियों का इस्तेमाल करके उसके अंदर अपनी चीजें डाल देते हैं। एक साल बाद खुलती है क्योंकि इसमें कपड़े गंदे नहीं होते मिट्टी इसमें नहीं पड़ती ये सबसे बेहतर। सर्दियों जब सर्दियाँ आती हैं तो लोग गर्मियों के कपड़े संभाल लेते हैं जब गर्मी आती है तो सर्दियों के कपड़े संभाल लेते हैं इस तरह। अच्छा मुझे ये बताइए तो आप लोग आपने हमें पेटी बनती हुई दिखा दी इसके अलावा और क्या क्या बनता है आपकी दुकान? हमारे पास ज्यादा पेटी बनती है ये चारपाई होती है हमारे पास अलमारी होती है ये परोले वगैरह होते हैं हमारे पास कूलर वगैरह भी होंगे ठीक है ये कूलर सीजन पे होंगे इस वक्त नहीं वो गर्मी आएगी उस वक्त होंगे। आप लोग सुबह कितने बजे दुकान खोलते? सुबह 9 बजे। 9 बजे से रात 9 बजे तक। रात 9 बजे तक इतना यानी जितना आपका यहाँ पर टाइम लगता है उतनी तो कमाई हो जाती है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पहले होता था पहले और काम था अब और काम है ना। अब जो भी बंदा बाहर घर से निकलता है वो 100 बार सोचता है कि मैं बाजार में जाऊं या ना जाऊं ऐसे होते गए। तो शुक्रिया आपका कि आपने हमें इजाज़त दी कि हम आपकी शॉप पर आएं और आपकी मेहनत दिखाएं कि आप किस तरह पेटियां बनाते हैं और हम लोग पैसे देकर उसको आसानी से खरीद कर ले आते हैं। तो अपनी मेज़बान निगरा अली को दें इजाज़त। उम्मीद है आपको मेरा शो बहुत पसंद आया होगा। लोग पेटियां लेते वक्त ये सोचते हैं कि ये क्या हमारी बेटी की किसी काम नहीं आएगी हम एक जगह पर पड़ी रहेगी लेकिन हमारी इतनी चीज़ों को ये संभाल लेती है हम इस तरफ कभी आते ही नहीं। तो पेटी जिस तरह हमारी ज़िंदगी में आम चीज़ें ज़रूरी हैं इस तरह पेटी भी बहुत ज़रूरी है। तो पेटियां खरीदें। आपकी शॉप का नाम क्या? ये तो मैंने पूछा है। एम रजा ट्रंक हाउस। अच्छा तो अगर आपको पेटियां लेनी हो तो आप एम रजा ट्रंक हाउस से आकर ले सकते हैं। कहाँ पर है ये? खाना चौक बंद रोड। बंद रोड। तो अपनी मेज़बान इमरानी को दें इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।